हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी का सीन ये है कि यार सुबह से आज मतलब ये लगा लो 8 बजे से लेके अभी तक टाइम हो गया 12 बज गया। तो भाई सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक भाई मैं ये कर रहा हूँ एनिमेशन वगैरह। यार इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ना वो कल से अटका हुआ है, जो 2-3 फाइलें थी वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हो पाई है। तो भाई उसी को निपटा रहे थे, सुबह से 4-5 घंटे हो गए मुझे, अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है पूरा का पूरा। तो बहुत पहले कि कल जो मैंने काम नहीं किया था ना, तो वो आज करना पड़ गया सुबह सुबह बहुत जल्दी। तो भाई अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाई है, पता नहीं कैसे होगा फाइनल। तो आज तो भाई इसी में लगे हुए सारे सुबह से। तो व्लॉग भी मैंने यहीं पे स्टार्ट किया आज, इसलिए क्योंकि इसको सबसे पहले निपटाना है करके और फिर उसके बाद सेंड करना है। तो इसलिए भाई अभी ये तो यहीं लगे हुए हैं, फिलहाल थोड़ी देर बाद करेंगे लंच वगैरह। तो फिलहाल इसको फटाफट निपटा लेते हैं और उसके बाद लंच वगैरह करेंगे और आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। Let's start. तो गाइस बढ़िया सब्जी लग रही है आज तो, और ये आज नई डिश आई है मीठे में कुछ। तो हाँ अभी करते हैं लंच भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनल जो फाइल थी ना वो फाइनल होके मैंने उसको डाल दिया और अभी हम जा रहे हैं कल जो फाइबर वगैरह लगाया था ना उसको मैं मम्मी को दिखाने, क्योंकि मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने लगवा दिया सही तरीके से। अब मम्मी चेक करके आएगी फिर उसके बाद बताएगी भाई सही है या नहीं है। तो अब चलते हैं मम्मी के साथ वहीं पर ही और फिर उसके बाद वापस आएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे पार्क वगैरह कहीं पे शाम को साइकिलिंग वगैरह करना, बहुत दिन हो गया पार्क वगैरह के। तो अभी चलते हैं मम्मी के साथ वहाँ पे। चलो मम्मी हो गए तैयार? हो गए मम्मी तैयार, चलो पहन रहा हूँ बाहर जा रहा। तो फुल पैक होकर आए एकदम पूरा मास्क टोपा भी ठंड में नहीं आओ ना। फिलहाल आ गए घर पर, तो मम्मी को भी खूब पसंद आया है ना मम्मी? हाँ बढ़िया लगा भाई, खूब बढ़िया। और मम्मी को बड़ा पसंद आया, सब कुछ सही लगा हुआ एकदम बढ़िया है। अभी तो गाइस फिलहाल पीते हैं अनार का जूस और फिर उसके बाद चलते हैं पार्क में। बढ़िया है, सही टेस्ट है। गाइज आ गए हैं पार्क में, काफ़ी दूर से साइकिलिंग वगैरह करके अब अंदर जाके भी साइकिलिंग करूँगा, यहाँ थोड़ी एक्सरसाइज करी थी अभी और अब आगे चलते हैं साइकिलिंग वगैरह करने के लिए। तो गाइज देखो वहाँ पे ऐसे शूटिंग हो रही होती है, देख रहे हो गया? तो ऐसे शूटिंग वगैरह होती रहती है यहाँ पे पार्क वगैरह में। तो कल बैठ गए पार्क में आराम से, यार अभी रेस्ट करता हूँ थोड़ी बहुत देर से, साइकिलिंग वगैरह करी तो यार थक गया थोड़ा तो बैठ गया आराम से यहाँ पे। और ये तो ऐसे एक पीस है, इसके बाद वहाँ पर भी है, उधर भी है, देखो उसके उस तरफ भी है, उधर भी है, उधर भी है, जहाँ जहाँ तक पेड़ दिख रहे हैं वहाँ वहाँ तक पार्क ही पार्क है गाइज यहाँ पर। तो गाइज आज का काम जो था ना बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा काम था यार, आज पूरा दिन लग गया मुझे उसी काम में करने में। तो मैं सुबह से लगा हुआ था 8 बजे से और अब जाके फाइल कंप्लीट हुई है भाई। फाइल कंप्लीट होने के बाद जब जाके चैन आया कि भाई अब थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, तो भाई अब भी फिलहाल मैं आया हूँ पार्क वगैरह में। फिर मैं देख रहा था यार ये वाला पेड़ देखो कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा का पूरा मतलब एक भी पत्ता नहीं है इसके ऊपर, पता नहीं कैसे आज मुझे लग रहा है शायद ठंड की वजह से हो रहा है।
और यहाँ मुझे लग रहा है कोई पेड़ वगैरह होगा, कोई पौधा वौधा लगाया मुझे लग रहा है यार यहाँ पे। तो गाइस ऐसा ही ये भी ऐसा ही पेड़ हो रहा है, बिल्कुल सूख गया, मतलब पूरा का पूरा एक भी टहनी वगैरह कुछ भी नहीं है मतलब इसमें, मतलब टहनी तो है पर पत्ते वत्ते पता नहीं कहाँ। फिर उसके बाद गया भाई मैं वहाँ पे, वो मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई वो फाइबर वगैरह ढंग से लग गया या नहीं लग गया, तो उनको दिखाना भी बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने देखा भाई, उन्होंने चेक करा, हाँ भाई बढ़िया लगा दिया, सब कुछ काम सही करवा दिया। तो गाइस वो काम भी फिनिश हो गया, तो अभी भी थोड़ा बहुत वगैरह काम है। तो मुझे लग रहा है शायद कल परसों भी, आप देख सकते हैं कल परसों भी मैं जाऊँगा वहाँ पर, काम वगैरह करवाऊँगा, दो तीन काम थोड़े बहुत होंगे तो भाई वो सब निपट जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कुछ और नई चीज़ अगर डलवाएंगे तो उसमें। तो फिलहाल तो गाइस अभी थोड़ी देर बाद जो है ना चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा भाई घर पे जाते जाते भी, कम से कम मेरे हिसाब से शायद 20-25 मिनट लगते हैं भाई यहाँ से घर की तरफ। तो भाई यहाँ से घर की तरफ जाने में 20-25 मिनट तो और लग जाएंगे, ऊपर से 10-15 मिनट और लग जाएंगे यार यहाँ से बाहर निकलते निकलते। तो अभी थोड़ी देर बाद निकलते हैं गाइस यहाँ से, और फिर मैं आपको सीधा ज्वाइन करूँगा घर पर ही डायरेक्ट, क्योंकि रास्ते में तो भाई ऐसे ही होता है, रास्ते में कहाँ साइकिल वाइकल पे कहाँ ब्लॉग वगैरह बनते हैं भाई, सीधा डायरेक्ट घर पे जाके मिलते हैं फिर। तो भाई वहाँ उस तरफ तो खेल रहे हैं वैसे क्रिकेट वगैरह, तो ये देखो देख सकते हो, देखो वो करवाएगा बॉलिंग देखो। तो भाई मैं आ जाता हूँ पार्क वगैरह में इसलिए कि भाई पूरा दिन तो यार वहाँ बैठ रहता हूँ। तो भाई कोई सोसाइटी वगैरह में दोस्त वोस्त तो है नहीं यार कोई खास ऐसे जो भाई रोज़ की रोज़ मिले, और ये सब आप सभी लोग हो यार, आप सबसे बात कर लेते हैं अपना, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह बना ली, अपलोड कर लिया, यही सब करते हैं भाई थोड़ा बहुत। तो गाइस अभी ये देखो इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना इसकी, ये देखो अभी आइए यहाँ पे। तो यार मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है यार, नेचर वगैरह की ऐसी चीज़ें देखनी ना, कितना बढ़िया लुक दे रहा है यार ये ट्री वैसे, उसकी आवाज़ भी ना मतलब इतनी अच्छी लग रही है ना दिल को अंदर से, इतना मज़ा आ रहा है सुन के, आनंद आ रहा है एकदम। तो ये सब चीज़ें जो रहती है ना यार ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है। आप जैसे आके बैठ जाओ और आपसे अपना अकेला एक दो दोस्त हो और भी बढ़िया हो जाए, मज़ा आ जाए यार थोड़ा। तो ऐसे यार प्लान वगैरह ना बढ़िया से बनना चाहिए, पर यार कुछ ज़्यादा दोस्त वगैरह नहीं है तो भाई कभी कभार नहीं बन पाता प्लान वगैरह। फिलहाल तो भाई पार्क वगैरह में आ जाते हैं अपने आप अकेले, और जैसे तो आप देख ही रहे हो। तो भाई फिलहाल आ गया है कुत्ता मेरे से मिलने के लिए। ओ भाई जहाँ मैं जाता हूँ ना वहाँ पर ये जरूर आ जाते हैं, आ जाओ, अपने आप इनसे दोस्ती हो जाती है मेरी। भाई डॉग वगैरह मुझे बहुत पसंद है, इसके बाल देखो कितने बढ़िया है यार, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है स्ट्रीट डॉग है, देखना इसके बाल कितने बढ़िया है। तो गाइज अभी मैंने उसको बोला चलो टाटा, तो चली गई यार वो गाइज, मतलब इतनी ज़्यादा समझदार होते हैं ना डॉग्स वगैरह यार, इतनी ज़्यादा इमोशन होती है ना उनके अंदर, जो सब कुछ एकदम से सोच लेते हैं जैसे हम सोच रहे हैं ना वैसे ही वो सोचने लग जाते हैं एकदम से, बिल्कुल ही वैसे जैसे इंसान सोचते हैं ना सेम वैसे ही सोचने लग जाते हैं। पता नहीं यार ये टेक्निक भगवान ने दी है उनको वैसे तो यार, ये गॉड गिफ्टेड होती है ऐसी। और ये डॉग्स वगैरह से जो प्यार व्यार करते हैं भाई ये भी भगवान गिफ्ट ही होती है, ऐसे नहीं हो सकता मतलब कोई भी करे यार। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर पे अभी पार्क। तो भाई आज है लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो भाई सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई मैंने सामान लिया था वैसे देख सकते हो कुछ खाने पीने का, तो भाई अभी घर पर ही बनाते हैं। वैसे यार पहले तो हमारी सोसाइटी वगैरह में प्रोग्राम होता था बाहर एकदम बोन फायर टाइप की, मतलब आग वाग जला के हाथ वाथ सेकते थे और सब खाते थे और फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह बांटते थे, सब कुछ करते थे। पर फिलहाल यार इस साल पता नहीं क्यों नहीं हुआ ये मुझे लग रहा है बाहर वाली आंटी चिल्ला रही है लगता है पाचा ने जाके देखा
तो गाइस इस साल मुझे लगता है शायद सोसाइटी में कोई प्रोग्राम किया पर चलो तो घर पे ही बुलाते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं और फिर एंजॉय करेंगे। तो गाइस प्लेट होंगी तैयार, तब आ जाओ जिसको खाने है आ जाओ, यहाँ पे फुल इनविटेशन है आप सबका और आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो मेरे साथ। तो गाइस अभी चल रही है लोहड़ी की पार्टी, देखो मम्मी बैठी है यहाँ पे बैठी है और वहां पर वो देखो कैलेंडर उल्टा हो रखा है। हैप्पी लोहड़ी। आज बने मेथी के परांठे, बढ़िया लग रहे हैं यार, और चाय, मेथी के परांठे और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है, तो इसको ट्राई करेंगे, मज़ा करेंगे। तो गाइस फाइल हो गई है अपलोड और कल 9 बजे जो है ना व्लॉग आ जाएगा हमारा। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।